ये वीडियो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही मेहनत के बाद बनाई गई है और मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री है। अगर आप फ्री में व्हाट्सएप के थ्रू भी लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी हर एक वीडियो फ्री है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, एंड यू एडवाइज्ड मी इन द कमेंट्स कि सर आप लोग जो अपनी वोकेबुलरी का सेशन करो या वोकेबुलरी जो वीडियोस बनाओ वो बोर्ड पर बनाइए ताकि हम लोग ध्यान से समझ सकें। तो इसीलिए अब जो मेरी वोकेबुलरी की वीडियोस आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, मैं कुछ बोर्ड पर आपको समझा दूंगा, राइट। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 वर्ड्स और उनका यूज़। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है वर्क फॉर द डेवलपमेंट। वर्क फॉर द डेवलपमेंट का मतलब है विकास के लिए काम करना। तो अगर हमें ये कहना है कि मैं विकास के लिए काम करता हूँ तो आई वर्क फॉर द डेवलपमेंट। तुम्हारे पापा विकास के लिए काम करेंगे, योर फादर विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट। तुम्हारी मम्मी विकास के लिए कार्य करती हैं तो ये वर्क योर मॉम वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हो सकता है आपने पढ़ा हो। नेक्स्ट, वरी अबाउट समबडी, जैसे मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता तो आई डोंट वरी अबाउट यू। यहाँ पर वो आएगा जिसकी चिंता होती है, जैसे मैं तुम्हारी नहीं करता तो वरी अबाउट यू, उसकी नहीं करता तो वरी अबाउट हिम, अगर वो लड़की हुई तो वरी अबाउट हर, राइट। तो अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता तो मैं बोलूँगा आई डोंट वरी अबाउट यू, और अगर मैं चिंता करता हूँ तो बोलूँगा आई वरी अबाउट यू, ठीक है। तो वरी अबाउट मतलब किसी की चिंता करना। नेक्स्ट, हार्ड वर्क पेज। पेज आपको पता है जब हम पैसे देते हैं तो उसे बोलते हैं पेज। तो ध्यान से समझिए, हार्ड वर्क का मतलब है मेहनत और पेज का मतलब है उसका फल। तो इससे बनता है मेहनत का फल मीठा होता है, जैसे हार्ड वर्क पेज का मतलब है मेहनत का फल मीठा होता है। इसी से रिलेट कर जाते हैं हमारे अगले दो वर्ड्स, जैसे ऑनेस्टी पेज का मतलब है ईमानदारी का फल मीठा होता है। ऑनेस्टी पेज मीन्स ईमानदारी, ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदारी को, इसे बोलते हैं मेहनत, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदारी पेज मतलब ऑनेस्टी पेज मतलब ईमानदारी का फल मीठा होता है। नेक्स्ट, पेशेंस मतलब होता है सब्र, पेशेंस मतलब होता है सब्र। तो सब्र पेज मतलब हो गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जब हमें कहना है कि मेहनत का फल मीठा होता है तो हम बोलेंगे हार्ड वर्क पेज, जब हम बोल रहे हैं ईमानदारी का फल मीठा होता है तो हम बोलेंगे ऑनेस्टी पेज, जब हमें ये बोलना हुआ कि भाई सब्र का फल मीठा होता है तो हम बोलेंगे पेशेंस पेज, राइट, ठीक है। अगर हमें ये पूछना हुआ कि मेहनत का फल मीठा होता है तो कैसे पूछेंगे, हार्ड वर्क पेज, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आई फेल टू अंडरस्टैंड का मतलब है मैं समझने में फेल हो गया, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो जब हमें ये बोलना है मुझे समझ में नहीं आया तो हम बोलेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड, या मैं समझने में नाकामयाब रहा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट है गेट टंग टाइड। टाइड मतलब होता है बांधना, टंग मतलब आपकी जुबान को, गेट मतलब हो जाना। तो ऐसा नहीं है जुबान को कहीं नहीं बांधते, इसका मतलब हुआ गेट टंग टाइट का मतलब हुआ है जुबान पर ताला पड़ जाना। तो जब हमें बोलना है कि जुबान पर ताला पड़ गया उसका तो हम बोलेंगे गेट टंग टाइट। जैसे मेरे आते ही मतलब व्हेन आई एंटर इन द रूम, मोहिनी के जुबान पर ताला पड़ गया, तो मोहिनी गेट टंग टाइट, राइट। तो ये बहुत आसान सा रहा। नेक्स्ट है रॉब। रॉब मतलब डकैती या चोरी, लुटेरी। तो लुटेरे को, लूट को बोलते हैं, लूट को, जब लूट हो रही होती है तो हम बोलते हैं रॉब। जैसे किसी ने उसके घर लूट मचा दी, जैसे somebody rob his home। तो अच्छा, इससे रिलेट कर जाता है एक और वर्ड रॉबर्स। रॉबर बोलते हैं लुटेरों को जो लूट करते हैं। तो लूट हो गया रॉब और लुटेरे हो गए हैं रॉबर्स। तो जब कोई लुटेरा होता है तो हम उसे बोलते हैं रॉबर, और अगर लूट मचाती है तो उसे बोलते हैं रॉब। जैसे मैं तुम्हारा घर लूटूंगा तो आई विल रॉब योर होम, राइट। नेक्स्ट, सिन।
सिन मतलब पापी लोग, पापी जो अच्छा काम नहीं करते, बुरा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको बोलते हैं हम पापी बोलते हैं। तो सिन मतलब पापी, जैसे सिन मतलब पाप, सॉरी सिन मतलब पाप, और सिनर होते हैं पापी, सिनर, सिनर्स होते हैं पापी, और सिन होते हैं पाप को, जैसे उसने पाप किया तो ही सिन, ठीक, मैं पाप नहीं करूँगा, आई विल नॉट सिन, ठीक है। तो सिन बोलते हैं पाप को और सिनर बोलते हैं पापी को, जो पाप करता है। नेक्स्ट, वॉर्न आउट क्लोथ्स, वॉर्न मतलब पहले से पहने हुए, आउट मतलब निकाले हुए, क्लोथ्स मतलब कपड़े, पहले से निकाले हुए कपड़े। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े। अब ध्यान से समझ लीजिए, फटे पुराने कपड़े, जैसे मैं तुम्हारे फटे पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट वियर योर वर्न आउट क्लाउथ्स, मैं उसके फटे पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, आई विल नॉट वियर हिज वर्न आउट क्लाउथ्स, मैं तुम्हें अपने फटे पुराने कपड़े नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू माई वर्न आउट क्लाउथ्स। तो ये 10 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वोकेबुलरी के सेशन को पूरा कीजिए, और जो हमारे 5-5 हम 10-10 वर्ड्स रोज़ सिखा रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए, बस बेड़ा पार काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसी लगी, आप वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, जो भी करना है करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।